हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल EIQ। और यहाँ से भाई आज हम लोग न्यू सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका अभी चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बात कर रहे थे भाई। लेकिन जब आप इसके MCQs को आप देखिएगा ना, तो MCQs के अंदर जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना भाई, आपका इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट वाले चैप्टर से पूछा गया है। जैसे आपका गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे एमीटर से भी पूछा गया है, वोल्ट मीटर से भी पूछा गया है और रेंज एक्सटेंशन से भी पूछा गया है। तो अभी उन सभी MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको इन तीन टॉपिक को समझना होगा, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, रेंज एक्सटेंशन, है ना। और इन सभी को समझने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में एक तरीके से आना पड़ेगा भाई। और क्योंकि हम लोग इसी सेशन में इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के भी MCQs को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे भी आपका भाई इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक तरीके से कॉमन लेक्चर हो जाएगा जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी यूज़ होगा और इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में भी एक तरीके से यूज़ होगा। तो आप अपना फटाफट नोट्स अच्छे से बना करके इसको रख लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में भी आपका एक तरीके से यूज़ होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे और ये काम कैसे एक तरीके से करता है, और ये भी समझेंगे इसके आगे मूविंग कॉइल क्यों लगा हुआ है ना। तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले अभी एक छोटा सा बैकग्राउंड फ्रेम बना के दे देता हूँ भाई, ताकि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ रहे। और जिनका भी इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट वीक है भाई, या फिर कहिए इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में पता ही नहीं चलता उनको कि इसमें पढ़ना क्या होता है, उनके लिए लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को छोड़ करके आ चुके हैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये चैप्टर में पढ़ा क्या जाता है, या फिर कहिए चैप्टर का हम लोग को नीड क्यों पढ़ा। तो अभी क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है भाई, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग के पास क्या क्या पैरामीटर होता है, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, पावर फैक्टर हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, ETC कर लेते हैं। तो इतने सारे पैरामीटर हैं, इन सभी पैरामीटर को क्या करना पड़ता है, हम लोग को मेज़र करना पड़ता है, है ना। जैसे आप ट्रांसफार्मर पढ़िएगा तो ट्रांसफार्मर में आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे भाई वोल्ट मीटर लगा होता है, एमीटर लगा होता है, या फिर कहिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, या फिर कहिए किसी भी लाइन का अगर आपको वोल्टेज नापना है, या फिर कहिए करंट नापना है, तो उसके लिए भाई हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन थोड़ी ना करेंगे कि मेरा वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। कहीं कहीं आपका सिचुएशन ऐसा हो जाएगा जहां पे आपको कोई डाटा ही नहीं पता होगा, ओके। तो हम लोग वहां पे डायरेक्ट क्या करेंगे, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है ये सब कनेक्ट करके डायरेक्ट वहां पे रीडिंग ले लेंगे। तो अभी सबसे पहले समझिए, अगर हम लोग थोड़ा सा पावर सिस्टम में इन करें ताकि हम लोग का बैकग्राउंड फ्रेम स्ट्रांग बन जाए भाई, और ऑलरेडी ये सब मैंने आपको बहुत बार बताया, ओके। समझिए, पावर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो पावर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग का सबसे पहला होता है जनरेशन, है ना, यानी यहाँ पे हम लोग काफ़ी बड़े मात्रा में पावर को जनरेट कर रहे हैं। उसका फिर हम लोग का आएगा ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे आपका घर ये सब, या फिर कहीं इंडस्ट्री लोड ये सब आ जाएगा, है ना। और क्योंकि जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, ये पूरा का पूरा लंबा हो गया ना, ये सारा का सारा एक वायर से कनेक्टेड है, है ना भाई। ट्रांसमिशन लाइन जनरेशन से वायर से कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी क्या है, एक तरीके से वायर से ही कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इन सभी को एक तरीके से लंबे समय के लिए रिलायबल यानी टिकाऊ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन पढ़ना पड़ता है, ठीक है भाई। तो पावर सिस्टम का पहला ब्रांच जनरेशन, फिर दूसरा ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, फिर यूटिलाइजेशन और फिर आपका प्रोटेक्शन, यानी इतना लंबा दूरी और ये वायर से कनेक्टेड हो, कहीं पे भी फॉल्ट आ सकता है, तार टूट के गिर सकता है ना, तो वो सबको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रोटेक्शन भी पढ़ते हैं। तो अभी आप समझिए, जो भी आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, यूटिलाइजेशन से अपने घर का ही ले लेते एग्जांपल, मान लेते हैं आप एक बल्ब जला रहे हैं, फिर कहीं मान लेते हैं हीटर जला रहे हैं, है ना, 1000 वॉट का। तो अगर आप इसको भाई एक घंटे के लिए जलाते हैं तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर, पावर है मेरा एक तरीके से 1000 वॉट, और एक घंटे के लिए चला रहा है यानी 1 आवर, तो क्या हो जाएगा 1000 वॉट आवर, है ना। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 1 kW hour, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं 1 unit, ओके। तो ये जो आपने 1 unit का, या फिर कहिए 1 kW hour का जो एनर्जी कंज्यूम किया है भाई, इस एनर्जी के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है ना, 8 रुपया 7 रुपया, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ का चार्जेस क्या है। तो ये जो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये एक तरीके से कौन रीड करके देता है,
या फिर कहिए जिसने भी ये पूरा पूरा सिस्टम लगा रखा है, जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, प्रोटेक्शन, है ना, उसको कैसे पता चलेगा कि इस आदमी ने इतना एक तरीके से एक घंटे में एनर्जी कंज्यूम किया है। तो ये क्या करता है, आपके घर के बाहर में एक एनर्जी मीटर लगा देता है जो कि आपके एनर्जी को कैलकुलेट करते रहता है। सही बात है। तो यहाँ पे भाई जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपके एनर्जी को एक तरीके से रीड करने के लिए या फिर रिकॉर्ड करने के लिए, वो सब कहाँ पे हम लोग बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में आकर के बनाएंगे, या फिर उनके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना है, वो काम कैसे करता है, फिर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो सब कहाँ पढ़ना होता है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के अंदर। क्लियर हो गया। अब सीधी सी बात है, जितना भी लंबा सिस्टम गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, स्विच गियर, है ना, तो हम लोग को यहाँ पे भाई कभी कभी वोल्टेज भी रीड करना पड़ेगा, करंट भी रीड करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी रीड करना पड़ेगा, पावर फैक्टर भी रीड करना पड़ेगा, है ना। तो सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे पैरामीटर के लिए एक एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, ताकि कोई भी चीज़ अगर मेरे को रीड करना है तो उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को और वहाँ से हम लोग रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। तो गैल्वेनोमीटर भाई कुछ नहीं, ये एक तरीके से आपको दो चीज़ रीड करके देगा। सबसे पहला करंट, ठीक है, ये करंट भी आपको रीड करके देता है, और ये एक तरीके से वोल्टेज भी आपका रीड करके देगा। साथ ही साथ ये डायरेक्शन भी एक तरीके से बताता है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी बताएगा भाई आपको। अगर आपने पॉलिटी चेंज कर दिया तो ओवरऑल करंट का डायरेक्शन भी एक तरीके से उल्टा कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए, टाइटल था आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। तो सबसे पहले समझिए इसका मूविंग कॉइल नाम क्यों पड़ा, और क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट जब आप पढ़िएगा भाई डिटेल में, तो इसमें सबसे पहले आपको तीन टॉर्क के बारे में बताया जाएगा, है ना। क्योंकि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए भाई, वोल्टमीटर आप देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का आपका इसमें स्केल होगा, है ना, इस पर लिखा रहेगा आपका जीरो से लेके मान लेते हैं आपका 250 वोल्ट का। क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक तरीके से पॉइंटर लगा होता है, तो इस पॉइंटर को एक तरीके से मूव करवाना है ना, ये मूव करता है ऐसे। तो सीधी सी बात, मूव करवाने के लिए जो टॉर्क है, जिसको हम लोग मेन टॉर्क भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है, या फिर कहिए इसी को हम लोग बोलते हैं मेन टॉर्क होता है हम लोग का। ठीक है, तो ये जो मेन टॉर्क आप जनरेट कर रहे हैं, फिर एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो जिस प्रिंसिपल पे भी ये टॉर्क एक तरीके से बनता है, उसी प्रिंसिपल का नाम आपके हर एक इंस्ट्रूमेंट के आगे लग जाएगा। जैसे आपका यहां पे है गैल्वेनोमीटर, है ना, तो इसके आगे लग गया मूविंग कॉइल। मींस क्या हो गया, ये मूविंग कॉइल क्या है, मूविंग कॉइल एक प्रिंसिपल है भाई। अब प्रिंसिपल क्या है, देखिए ऑलरेडी चैनल पे कल एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था भाई, यही प्रिंसिपल आपको समझाया था मूविंग कॉइल क्या होता है, कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल एक तरीके से रख देते हैं, थोड़ा 3D बना देता हूँ आपके लिए, ओके, इस तरीके का अगर आपने एक कॉइल प्लेस कर दिया, उस कॉइल के अंदर अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक टॉर्क देखने को मिलता है, है ना। और ये टॉर्क हम लोगों ने डिफाइन किया था NIA into B, और ये था आपका साइन थीटा, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, i क्या है, ये करंट कॉइल के अंदर एरिया ऑफ लूप, b हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल देखिए, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर में क्या होगा भाई, एक तरीके से इसका भी हम लोग कंस्ट्रक्शन, इसमें भी एक तरीके से स्केल होगा, है ना, इसका एक पॉइंटर होगा, और एक तरीके से ये रीडिंग है, मतलब डिफ्लेक्शन टॉर्क चाहिए ना रीड करने के लिए। तो जो हम लोग को डिफ्लेक्शन टॉर्क मिलेगा गैल्वेनोमीटर के लिए, ये मूविंग कॉइल प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए इसके आगे लग गया क्या, क्योंकि यहाँ पे कॉइल मूव कर रहा है ना, समझिए कॉइल है एक तरीके से मूव करेगा, ये टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, ओके, इसलिए इसके नाम के आगे आपका प्रिंसिपल लगाया जाता है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये एक तरीके से भाई आपका एक मैग्नेट दिखाया गया था, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब मैग्नेट में भी समझिए दो तरीके का मैग्नेट होता है, ओके, या फिर कहिए दो तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक होता है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए हम लोग हमेशा बार मैग्नेट यूज करते हैं, कुछ इस तरीके का शेप रखते हैं भाई। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया एक तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा लिखता हूं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, फिर इसको प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग भाई सर्कुलर मैग्नेट यूज करना पड़ता है, सर्कुलर मैग्नेट इस तरीके का, ओके, ये हो गया नॉर्थ
और इधर हो गया आपका साउथ, ठीक है। अब ओवरऑल अगर इसको मैं कंप्लीट कर लूँ ऐसे डॉटेड डॉटेड बना के, तो सर्कल बन गया कि नहीं बन गया बोलिए, पूरा पूरा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मैग्नेट, या फिर कहिए सर्कल मैग्नेट, ठीक है। और सर्कल मैग्नेट चलते आपको जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर सर्कल बना हुआ एक तरीके से तो इसका रेडियस होगा, है ना, ये रेडियस है ना भाई एक तरीके से, समझ में। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले रेडियस के पास आएगा ऐसे, फिर ऐसे बैंड होगा ये, समझ में आया। मतलब इसका सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पॉइंटेड हो जाता है, इसके सेंटर के पास इस तरीके से, ओके। ये ऐसे जाएगा भाई, इसको बोलते हैं रेडियली मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हुआ। इसी तरीके से ऐसे इधर से भी जाएगा, क्लियर हो रहा है। और इसका अपना एक बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है अभी आपको समझ में आएगा, बस पेशेंस रखिए आप, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग सर्कुलर मैग्नेट यूज करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेट अगर यूज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बार मैग्नेट यूज करेंगे। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने डायग्राम पहले से बनाया हुआ है, ये एक तरीके से भाई सर्कुलर मैग्नेट है, देख रहे हैं। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू क्या देखने को मिलेगा, यही देखने को मिला इस तरीके का, है ना। और अगर आप मशीन पढ़िएगा कभी, तो मशीन में भी देखिए भाई, जब आप कंस्ट्रक्शन पढ़िए, ऑलरेडी वाइंडिंग का पूरा सेशन मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसमें आप देखिएगा मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, ये भी आपका कुछ इसी तरीके का बनाया जाता है। अब देखिए ये भी एक तरीके से सर्कुलर शेप का ही होता है, ओके। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से मिलेगा, वो एक तरीके से रेडियली ही होता है, रेडियली का कुछ बेनिफिट होता है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए समझिए, एक मैंने यहाँ पे मैग्नेट दिखाया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल प्लेस कर रहे हैं। अभी जो मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बताया ना, वही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन भाई हम लोग को पता है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको सोलेनॉइड भी पढ़ाया था, है ना। और ब्राइटनेस भाई आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया, ब्राइटनेस का इशू रहता है, एक मिनट थोड़ा सा कम करता हूँ, अब सही है। तो ओवरऑल देखिए, सोलेनॉइड मैंने आपको पढ़ाया था भाई, तो सोलेनॉइड भी दो तरीके का होता है ना, एक एयर कोर हो गया और एक आयरन कोर हो गया। तो आयरन कोर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के, क्योंकि वो आपके मैग्नेटिक फील्ड को इन्हेंस करता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझिए, मेरे पास भाई कुछ इस तरीके का एक आयरन कोर है, या फिर कहिए आयरन सिलेंड्रिकल आयरन है इस तरीके, और ये आयरन कौन सा होगा, सॉफ्ट आयरन हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। ऑलरेडी ये सब का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था आपका, है ना, तो इसे आपको भूलना नहीं है, सब क्वेश्चन बनेंगे। और इस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से वाइंडिंग कर रहे हैं, ओके। जो रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाया था ना मैंने आपको कल वाले सेशन में, उसी तरीके से समझिए, मैंने इस तरीके से इस पर रेक्टेंगुलर वाइंडिंग किया हुआ है, क्लियर हुआ, ऐसे पकड़ के ऐसे इसमें बहुत सारा टर्न लपेटा हुआ है, ओके, ठीक है। तो इस कॉइल से आपका क्या होगा, दो टर्न निकलेगा, एक इसका स्टार्टिंग, तो ये मान लेते इसका स्टार्टिंग हो गया, और इधर से मान लेते इसका एंडिंग हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से दो टर्मिनल निकलेगा, ये फर्स्ट टर्मिनल हो गया, ये सेकेंड टर्मिनल हो गया, क्लियर। अब ओवरऑल इसके ऊपर ये जो कॉइल आपने दिखाया ना, इस कॉइल के ऊपर यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है, ये स्प्रिंग हो गया, और स्प्रिंग के साथ ही यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर लगा होगा, ठीक है। ये पॉइंटर मैं दिखा देता हूँ, बस मैं आपको रफ डायग्राम एक तरीके से बना के दिखा रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे इसका कुछ ऐसा स्केल बना हुआ होगा, ये स्केल हो गया। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर भाई, तो ये डायरेक्शन भी एक तरीके से इंडिकेट करता है ना, सेंटर पे जीरो लिखना पड़ता है, ठीक है। इधर 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 इस तरीके से दिखा देते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर दिखा देते हैं कुछ, क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ओवरऑल और इस तरीके से इसका पॉइंटर मैं दिखा देता हूँ, बस मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ भाई, ठीक है, ये एक तरीके से देखने में कैसा होता है। तो ओवरऑल भाई एक तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल के चलते आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। और क्योंकि इसके अंदर हम लोग करंट प्रोवाइड करेंगे, तो ये क्या हो गया, एक तरीके करंट कैरिंग कॉइल आपके मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क का ऑलरेडी मैंने आपको रिलेशन बताया है, ये होता है एन इंटू बी इंटू आई इंटू ए इंटू साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया। ये टॉर्क एक तरीके से इस पर लगेगा, तो टॉर्क लगेगा तो सीधी सी बात है कॉइल क्या करेगा, एक तरीके से मूव करेगा, कॉइल मूव करेगा तो कॉइल के साथ ही आपका पॉइंटर एक तरीके से कनेक्टेड, तो पॉइंटर भी एक तरीके से घूमता है भाई, ठीक है। तो पॉइंटर घूमेगा तो सीधी सी बात है क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा एक तरीके से, ठीक है। जब ये ऑफ रहेगा, यानी इसके अंदर कोई करंट में कोई भी कॉइल नहीं, तो ओवरऑल क्या होगा, ये जीरो पर पॉइंटर शो करेगा, ठीक है।
और जैसे आप इसको एक तरीके से सिस्टम में यूज़ कीजिएगा तो ओवरऑल इसके अंदर करंट आएगा तो टॉर्क आएगा, टॉर्क आने के चलते इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, टीडी जो मिल रहा है भाई, ये एक तरीके से किस प्रिंसिपल के कारण मिल रहा है, मूविंग कॉइल के कारण मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉइल एक तरीके से मूव हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे आते हैं, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा कैसा होता है, वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आ गया किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो मूविंग कॉइल वाले पे, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे इस पे अब हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा मैं बुक देख लेता हूँ, कुछ और भी मिस हो रहा होगा तो पैरेलली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपको समझा दिया ऑलरेडी, जब भी आप करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर आपका टॉर्क लगता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे स्प्रिंग के बारे में समझते हैं भाई, ये स्प्रिंग जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया ना, इस स्प्रिंग का यहां पे क्या रोल होता है समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है भाई, मान लेते हैं टॉर्क लगने के चलते इस डायरेक्शन में घूम रहा है ऐसे, तो सीधी सी बात है जो स्प्रिंग आपने दिया है, स्प्रिंग भी क्या होगा ऐसे ऐठने लगेगा, ये ऐठेगा गोल, है ना, समझ में आ रहा बात को भाई। देखिए स्प्रिंग में दो तरीके का मूवमेंट होता है, अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं नीचे की तरफ से, ठीक है, इस पर अगर फोर्स आए तो नीचे की तरफ खींचेगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये कॉइल घूमेगा तो स्प्रिंग क्या होता है, इसमें लिपटता है, ऐठता है एक तरीके से, समझ में, जैसे हम लोग चाबी वाला खिलौना कैसे होता है, उसमें चाबी देते तो क्या होता, अंदर का जो स्प्रिंग है वो एक तरीके से लिपटने लगता है, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए, जब ये पॉइंटर एक तरीके से जीरो पे है, यानी इसके अंदर जब कोई करंट नहीं है, तो ये जो स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग में एक तरीके से ये बिल्कुल नेचुरल होगा, नॉर्मल होगा भाई, ठीक है, समझ में आया। यानी यहाँ पे इस केस में जो टीडी है ये जीरो है, और इस कॉइल के चलते जो आपको कंट्रोलिंग टॉर्क देखने को मिलेगा ये भी एक तरीके से जीरो है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एक तरीके से घूमना स्टार्ट करेगा तो ये कॉइल एक तरीके से लिपटने लगेगा भाई, ठीक है, ऐठने लगेगा, ओके। और ये जितना ज्यादा एक तरीके से ऐठाएगा, जितना ज्यादा आपका ये, यानी जितना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है। यानी जितना ज्यादा ये घूमेगा, घूम कैसा रहा, ये एंगुलर, यानी गोल गोल घूमेगा ना, तो गोल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका ये थीटा है, यानी जितना ज्यादा ये घूमेगा ऐसे करके, उतना ज्यादा ये स्प्रिंग ऐठाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा ये स्प्रिंग ऐठाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जितना ज्यादा ये ऐठ रहा है उतना ही वो फिर से अपने आप को पुराने पोजीशन पर लाने के लिए क्या करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा ना, डिफ्लेक्शन टॉर्क आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ओवरऑल ये ऐठने के चलते क्या करेगा, इधर मेरा टीडी चल रहा है तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगा, समझ में आया। तो अब समझिए, ये जितना ज्यादा ऐठाएगा ना, उस ऐठाने को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से, देखिए ये जो स्प्रिंग के चलते आपको देखने को मिलता है ना भाई, यहाँ पे समझिए, जो स्प्रिंग के चलते आपको कंट्रोलिंग टॉर्क देखने को मिलेगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा ये मतलब ऐठेगा, ऐठने का मतलब क्या, उतना ही ज्यादा एंगल घूम रहा है ना, समझ में बात को, ठीक है। फर्स्ट केस में मान लीजिए थीटा इक्वल टू 10 डिग्री है, मतलब ये 10 डिग्री एक तरीके से घूमा। सेकंड केस में मान लेते हैं 20 डिग्री घूमा, है ना, यानी और ज्यादा ये ऐठाया गया, ठीक है। तो भाई बोल रहा हूँ कि टीसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के ऊपर, जितना ज्यादा ये ऐठाएगा उतना ही ज्यादा ये उल्टा रिवर्स में एक तरीके से कंट्रोलिंग टॉर्क आपको प्रोवाइड करके देगा। और क्योंकि इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाइएगा तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है के, और ये लग जाएगा आपका थीटा वैसे के वैसा। तो ये जो के होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट। क्लियर हुआ। टॉर्शनल कांस्टेंट का मतलब होता है भाई ये ऐठा रहा है, जैसे मान लेते हैं यहां पे मैं दो तीन स्प्रिंग लेके दिखाता हूं आपको, ठीक है, समझ में आएगा क्या होता है इसका मतलब। मान लेते हैं मेरा फर्स्ट केस में ये जो स्प्रिंग है काफी पतले तार से बना हुआ है, ठीक है। सेकेंड केस में मान लेते हैं स्प्रिंग थोड़ा सा मतलब ये सॉफ्ट वायर से मिलकर के बना हुआ है, सॉफ्ट वायर मान लेते कॉपर है, ठीक है। सेकंड केस में मान लेते मैंने स्टील लेकर के, स्टील का लेकर के इस तरीके से मैंने स्प्रिंग बनाया, और थर्ड केस में मान लेते कोई और भी हार्ड मटेरियल यूज करके मैंने एक तरीके से बनाया। तो मेरे को एक चीज बताइए, ये क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है ना, कॉपर से मिलकर के बना हुआ है भाई, तो ओवरऑल
ये जल्दी ऐठ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट है एक तरीके से, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो और ये क्योंकि स्टील है, स्टील मतलब आप देखिए जो साइकिल का स्टैंड होता है ना भाई, साइकिल के स्टैंड में जो स्प्रिंग लगा होता है, देखे होंगे आप, है ना, वो काफ़ी हार्ड होता है, उसको आप ऐठने की कोशिश करें, ऐठाएगा नहीं वो एक तरीके से, समझ में आए, क्योंकि काफ़ी हार्ड मटेरियल है वो आपका, तो समझिए कि ये सॉफ्ट मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, तो ये जल्दी ऐठ आ जाएगा। जल्दी ऐठाने का मतलब क्या है कि इसका जो के है ना, जो टॉर्सनल कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू एक तरीके से कम होता है, समझिए। मान लेते हैं यहाँ पे इसके लिए जो के का वैल्यू है, ये मान लेते हैं आपका दो है, ठीक है, और ये क्योंकि हार्ड है भाई, हार्ड मटेरियल से मिलकर बना हुआ, तो इसको अगर आप ऐठना चाहिएगा, ये ऐठाएगा नहीं एक तरीके से, यानी इसका के का वैल्यू क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक है, और ये उससे भी ज्यादा है, क्योंकि हार्ड मटेरियल से बना हुआ, तो इसका के का वैल्यू और सबसे ज्यादा होगा एक तरीके से, समझ में आया। टॉर्सनल कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। ये मटेरियल के नेचर को डिफाइन करता है कि आपका ये किस मटेरियल से बना हुआ है, जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल से बना हुआ, के का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, ओके। तो टॉर्सनल कांस्टेंट समझ में आ गया होगा, और एक कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के ऊपर क्यों है, ये समझ में आ गया होगा, और इसको हटाइए तो यहाँ पे के कांस्टेंट आता है, हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखने को मिल रहा है, यानी जो मेन टॉर्क देखने को मिल रहा भाई, अगर इस पर हम लोग फोकस करें, तो ये अगर करंट को हम लोग यहाँ से रिमूव कर ले, क्योंकि करंट आपके लोड पे डिपेंड करेगा, जो भी आप मेजर करना चाहते हैं, है ना भाई, कोई भी सर्किट है मान लेते हैं इस तरीके का, है ना, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है, ये करंट कौन डिसाइड करता है, लोड आपका डिसाइड करता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, लोड का मतलब कभी भी रेजिस्टेंस नहीं होता, पावर से होता है। मैंने आपको हजार बार बताया भाई कि अगर आप एक 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, 200 वोल्ट पे, और एक मान लेते हैं 1000 वॉट का एक तरीके से हीटर चला रहे हैं सेम 200 वोल्ट पे, तो कौन करंट ज्यादा खींचेगा, जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है वो ज्यादा करंट खींचता है, समझ में आया। तो करंट हमेशा कौन डिसाइड करता है, लोड का पावर रेटिंग। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो ये जो भी आप यूज करेंगे इस गैल्वेनोमीटर को, मान लेते करंट मेजर के लिए कर रहे हैं, तो करंट जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, कौन फिक्स कर देगा, लोड फिक्स कर देगा, ठीक है। तो इस टॉर्क वाले फॉर्मूले से करंट को हटा देते हैं, क्योंकि करंट हम लोग के हाथ में नहीं है, तो बाकी जो है टॉर्क किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, उसके बाद आपका एरिया के ऊपर, और उसके बाद आपका साइन थीटा के ऊपर, समझ में आया। यानी और हम लोग यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं भाई कि ये जो हम लोग का मेन टॉर्क मिल रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसके चलते पॉइंटर मूव करेगा, ये हम लोग का ज्यादा से ज्यादा हो, समझ में आया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को टॉर्क मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको भाई, क्योंकि सीधी सी बात है स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे, समझ गए, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बहुत कम होगा तो ये स्प्रिंग ऐठाएगा ही नहीं, समझ रहे बात को, ये टीडी बहुत कम है भाई, तो इस डायरेक्शन में घुमा पाएगा क्या इस कॉइल को, कॉइल का भी अपना वेट होता है, समझ रहे बात को, और स्प्रिंग है तो स्प्रिंग इसको ऐठने नहीं देगा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा ज्यादा होगा तभी क्या करेगा ये एक तरीके से घुमा पाएगा इस पूरे कॉइल को, समझ में आया। तो अगर आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे ज्यादा चाहिए, तो आपको क्या क्या के ऊपर, किस किस पैरामीटर के ऊपर काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर इसको ज्यादा रखना पड़ेगा, अगर आपको बी इंक्रीज करना है, समझिए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंक्रीज करना है, तो ओवरऑल हम लोग के पास यहाँ पे दो मैग्नेट बन रहा है, एक तो जो आपने यहाँ पे दिखाया है, तो ये परमानेंट मैग्नेट है भाई, ठीक है, समझने के लिए मैंने दिखाया है, तो ओवरऑल परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो गया, इसको आप ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन ये जो कॉइल है, इस कॉइल के चलते जो आपका मैग्नेट बनेगा ना, उसको आप एक तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर यूज किया है, जिसको हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर बोल रहे हैं, क्लियर हुआ, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इनहेंस कर देगा, ठीक है, समझ में आया। तो बी को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को भी बढ़ा देंगे तो भी वो आपको बढ़ा देगा, है ना, एरिया को भी बढ़ा देंगे, और अब आता है यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा देखिए भाई, यहाँ पे इस टॉर्क को देखिए ना, ये साइन थीटा है, तो थीटा यानी टॉर्क कब मेरा मैक्सिमम होगा, जब ये साइन थीटा की जगह 90 हो जाए मेरा, समझ में आ रहा बात को, ये 90 होगा तभी तो ये एक तरीके से 1 हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू 1, और 1 क्या होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का, ठीक है, यानी जब साइन 90 हो तो साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो वहां पे मेरे को मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा, क्लियर हो गया। तो आपको अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, डिफ्लेक्शन टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो आपको ये चार पैरामीटर के ऊपर काम करना। अब देखिए ये जो साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरे को इसको भाई थीटा को 90 बनाना है, ठीक है, थीटा को मेरे को 90 रखना है हमेशा हर एक केस में। कल ही मैंने आपको सेशन दिया था भाई, उसमें बताया था मैंने आपको, देखिए जो कल मैंने आपको टॉर्क इक्वेशन डिराइव करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन था, कलर चेंज करते हैं, देखिए
यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मेरा एक नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, बीच में मेरा एक तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरीके से रखा हुआ है, है ना। तो ओवरऑल मैंने आपको दिखाया था इस केस में, क्योंकि आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, है ना, और जो ये वाला लेंथ है जिसको मैंने ए से लेके ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, है ना। तो एक एक सेक्शन को मैंने एक एक बार एक तरीके से सेपरेटली आपको समझाया था। तो ये सेक्शन की देख रहे हैं, ये सेक्शन बी सी को देखिए आप, सॉरी ए बी को देखिए आप, है ना, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, कंडक्टर मेरा ऐसे रखा हुआ है, ए है, ये बी है, करंट आपका ऐसे जा रहा है ना। तो देखिए, तो ये मेरा बी का डायरेक्शन है, ये कंडक्टर रखा, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए, समझ में आया। और कल मैंने आपको बताया था जो एरिया ले, ये जो लूप आपने कंसिडर किया, इस लूप का क्या होगा, एक एरिया होगा, और एरिया क्या होता है फिजिक्स में, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मतलब क्या, इसका एरिया यानी इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन मैंने आपको दिखाया था 2D डायग्राम में कुछ इस तरीके का, यानी सिचुएशन को अगर आप 2D में देखें तो इधर मेरा नॉर्थ हो गया, इधर मेरा साउथ हो गया, ये एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। और इस कॉइल को अगर आप ऐसे देखेंगे, फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा, कॉइल भी आपका एक तरीके से ऐसे रखा हुआ है ना, समझ में, पीछे भी दिख रहा होगा, ये मेरा ए है, ये मेरा डी है, उसके पीछे में भी होगा बी और सी, समझ में, लेकिन छुपा हुआ है। तो ओवरऑल देखिए, इसका सरफेस एरिया अगर मैं दिखाऊं, मतलब एरिया का डायरेक्शन दिखाऊं, तो इसका सरफेस में नीचे की तरफ परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर हो गया इसका डायरेक्शन, और ये मेरा बी हो गया, है ना। तो जो मेरा थीटा था टॉर्क वाले डेरिवेशन में, जो थीटा था भाई मेरा, ये क्या था, एन था, आई था, ए था, बी था, और ये साइन थीटा। तो ये थीटा था ना, ये थीटा किसके बीच का एंगल था, ये जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन है, जो इसका जो डायरेक्शन लिया, जो थीटा ये लिया, इसके बीच का एंगल था, ठीक है, 90 डिग्री इस केस में। तो यहां पे मेरे को टॉर्क मैक्सिमम देखने को मिल रहा था। वही सेकंड केस मैंने आपको समझाया था कि नॉर्थ साउथ, ये थोड़ा सा अगर घूम गया, क्योंकि इस पे टॉर्क एक इधर लग रहा था, एक ऊपर लग रहा था, इसको घुमा देगा ऐसे, है ना। तो मेरा एरिया वेक्टर क्या हो, ये तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी का, और एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, मूव करने के चलते ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इनके बीच में एंगल क्या बना, थीटा। तो हम लोगों ने जनरल केस के लिए टॉर्क डेरिवेशन किया था कि मतलब थीटा का वैल्यू जो भी हो, है ना, जैसे देखिए थीटा का वैल्यू जो आप 90 रखेंगे तो टॉर्क मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। थीटा का वैल्यू अगर आप समझ रहे बात को, मतलब जीरो, जीरो कहना मतलब क्या, कॉइल क्या हो गया एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तो वहाँ पे आपको टॉर्क जीरो देखने को मिलेगा। तो थीटा समझिए भाई, टॉर्क के अंदर जो साइन थीटा है ना, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और जो आपका सरफेस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है उसके बीच का एंगल होता है। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपको टॉर्क मैक्सिमम करना है तो ये सब तो आपको समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है, बी बढ़ा देंगे, ठीक है, आयरन कोर लगा के एरिया बढ़ा देंगे कॉइल का, ये भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन थीटा वाला समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग को थीटा की जगह ऑलवेज 90 डिग्री एक तरीके से मेंटेन करके रखना है। तो कैसे हम लोग 90 डिग्री मेंटेन करके रखेंगे, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताई जो मैग्नेट मैंने यूज किया है ना, ये बार मैग्नेट यूज नहीं किया, ये एक तरीके से क्या सर्कुलर मैग्नेट है। तो सर्कुलर मैग्नेट को यूज करने से हम लोग को यहाँ पे देखिएगा थीटा जो होगा ना, मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री ही बना हुआ रहेगा। अब देखिए कैसे बना हुआ रहेगा, समझिए इसको, ये जो मैंने यहां पे डायग्राम दिखाया है, इसको अगर मैं ऊपर से देखूं, टॉप व्यू भाई, टॉप व्यू, ओके, तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये हो गया मेरा साउथ, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा एक तरीके से, इसका सेंटर हो गया, है ना, ये सेंटर दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपका जाएगा ऐसे, ओके, ये कुछ इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड जाता है, इसका नेचर ही ऐसा होता है। यहाँ से स्ट्रेट दिखा देता हूँ, बाकी आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये हो गया आपका रेडियली मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रहा है यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब इस कॉइल को अगर आप देखेंगे, कॉइल कौन सा है मेरे यहाँ पे, कॉइल वाला सेक्शन देखिए पहले, यहाँ पे जो कॉइल है भाई, कॉइल देख रहा है, ये है कॉइल मेरा, ये वाला कॉइल है मेरा, और मैं इस डायग्राम को कहाँ से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से टॉप व्यू। तो ऊपर से मेरे को ये मैग्नेट कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा, दिखा दिया मैंने। और अगर मैं इस कॉइल को देखूँ, कॉइल के साथ एक कोर को देखूँ, तो कोर भी मेरे को सर्कल दिखेगा अंदर में, है ना, और ये कॉइल ऐसे दिखेगा आपको रखा हुआ, इसे समझिए ना, ऊपर से देखेंगे अगर आप तो कॉइल आपको कैसे दिखेगा भाई, ये कॉइल ही दिखाता हूँ मैं आपको डायरेक्ट, देखिए ये मेरा कोर हो गया, सिलिंड्रिकल कोर हम लोगों ने लिया था, तो ये दिखेगा मेरे को, और इसके अंदर जो मेरा कॉइल रखा हुआ है, ये कॉइल एक तरीके से ऐसे दिखेगा आपको ऐसे, और अच्छे से बनाता हूं ऐसे, ठीक है, ये मेरा एक तरीके से कॉइल है। तो अगर मेरा कॉइल ऐसे है ना, तो ओवरऑल इसका जो सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा भाई, इस पर परपेंडिकुलर होगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर, इधर हो गया मेरा एरिया वेक्टर। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखें
तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ भाई मैं इसे, यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके ये मेरा कॉइल है। ओके ये कॉइल दिखा दिया मैंने टॉप व्यू से। ये वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ना, इसको मिटाता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर दिखाता हूँ, ऐसे समझिए आप। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके लिए एक और लाइन दिखा देता हूँ मैं ऐसे। अब आप समझिए, ये जो मेरा कॉइल है इसका जो एरिया का डायरेक्शन होगा सर सरफेस पे, या तो ऊपर ले लीजिए 90 डिग्री या तो फिर नीचे की तरफ ले लीजिए, है ना। तो अभी समझाने के लिए मैं नीचे की तरफ कंसीडर कर रहा हूँ। ये मेरा हो गया एक तरीके से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। और अगर आप इस सिचुएशन में देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये देख रहे हैं ये लाइन एक तरीके से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है यहाँ से, ये इसके ऊपर एक तरीके से भाई, डायग्राम है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, एक मिनट देखता हूँ बुक का, अगर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ना तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। वो देखिए समझिए इसको, इसको ऐसे समझाता हूँ मैं, इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये हो गया आपका कोर। ओके ये हो गया आपका सर्कुलर मैग्नेट, और इसके चलते आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ। ओके अब आप समझिए एक चीज, यहां से मैं सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन भी दिखा देता हूं ऐसे। ओके ये सब मैग्नेटिक फील्ड है भाई आपका, और इसमें हम लोग दिखा देते हैं अपना टॉप व्यू का कॉइल। तो कॉइल को मैं कुछ ऐसे प्लेस करके रखता हूं, हो गया मेरा कॉइल। ओके इसको आप देख पा रहे होंगे सही से। ओके ये मेरा कॉइल हो गया टॉप व्यू से। अब देखिए इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का क्या बेनिफिट होता है भाई, अगर आप देखें यहां से, देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को आप देखिए डायरेक्ट, यहां से मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ठीक है, यहां तक तो स्ट्रेट गया, ठीक है, फिर यहां से बैंड होकर इधर चला गया। लेकिन आप देखिए इसके साथ अगर मैं सीधा लाइन ड्रॉ करूं, क्योंकि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से आ रहा है ना ऐसे, ये ऐसे चला जा रहा है एक तरीके से स्ट्रेट, यानी ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको एक तरीके से आप मोटा मोटी मान के चलिए कि इसके लिए जो होगा ना ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। समझ में आया, ये वाला यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकला और ये इसके साथ मिल गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इधर मेरा एरिया वेक्टर है, और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप कंसीडर करेंगे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे ये 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आया, यानी ये एक तरीके से मेरा बी का डायरेक्शन हो गया इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, मेरा ए, तो इनके बीच में एंगल क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। ओके पूरा पूरा नहीं होगा, सारे मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं होगा, लेकिन इसमें मतलब मान के चले 10% भी मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके पैरेलल मतलब 90 डिग्री एंगल बना लेता है एरिया वेक्टर ए और बी के बीच में, तो भाई यहां पे आपको ज्यादा टॉर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए क्या हो गया साइन 90 आपका 1 के बराबर हो गया। समझ रहे बात को। और वही अगर मैं इसको मिटा दूं, देखिए मिटा देता हूं, वही भाई अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूं, मान लेते हैं थोड़ा सा उस पर टॉर्क लगा उसके चलते रोटेट हो गया, देखिए
अभी ऐसे रखा हुआ था, मान लेते टॉर्क लगा तो ऐसे रोटेट हो गया थोड़ा सा, फिर कहीं ऐसे रोटेट हो गया थोड़ा सा, ठीक है मान लेते सेकंड केस में ऐसे रोटेट, थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ, तो कॉइल क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना, ये कॉइल अब आपका ऐसे आ गया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी ये जो सेंटर से एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस कर रहा है ना स्ट्रेट, ये एरिया वेक्टर नीचे आ गया, है ना, और ये बी क्या हो जाएगा, सेंटर वाला एक तरीके इसके लिए 90 डिग्री बना लेगा ये एंगल, ठीक है। तो बी और एरिया वेक्टर के बीच में अगेन क्या हो गया, 90 डिग्री आ गया। तो ये एक तरीके से आपके टॉर्क को एक तरीके से इंक्रीज करता है भाई, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कुलर मैग्नेट यूज़ करते हैं। बार मैग्नेट अगर वही यूज़ करते हैं तो बार मैग्नेट में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देता, और उस सिचुएशन में अगर आप इसको घुमाते हैं ना कॉइल को, तो उस सिचुएशन में भाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन जा रहा है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन में, एक ही केस में आपका ये 90 डिग्री बनाएगा, है ना, जब ये कॉइल ऐसे रखा हुआ होगा, ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये एरिया हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया और बी आपका ऐसे हो गया, तो इनके बीच में आपका 90 डिग्री मिला है। नहीं, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलता, बाकी अगर ये किसी भी एंगल पे होता तो सिचुएशन में आपका ये कभी भी बी और एरिया वेक्टर बीच में थीटा 90 डिग्री देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, क्लियर हुआ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कुलर मैग्नेट यूज़ करते हैं, ताकि ये कॉइल अगर रोटेट भी हो, ऐसे भी रोटेट करे, देखिए समझिए ना भाई कितना साफ तरीके से दिख रहा है, अगर ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अगर मान लेते कॉइल ऐसे घूम जाता है, तो ऐसे घूमेगा तो क्या हुआ, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, इसके लिए स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्लियर हुआ। तो इसमें ज़्यादातर केस में जो थीटा होता है वो एक तरीके से 90 डिग्री मेंटेन किए हुआ रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, क्लियर हो गया होगा, उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया भाई। टॉर्क किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा ये भी मैंने आपको समझा दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के यानी टॉर्सन कांस्टेंट क्या होता है ये भी समझा दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, देखिए सब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये स्केल कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, स्केल कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में कैलिब्रेशन करना, एक तरीके से कैलिब्रेशन क्या होता है, क्योंकि स्केल के ऊपर आपका यहाँ पे लिखा हुआ ना 1 2 3 4, तो कैसे लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग इस कॉइल के अंदर नॉन करंट फ्लो करवाते हैं। नॉन करंट का मतलब मेरे को पता है कि मैं इसके अंदर क्या दे रहा हूँ, एक तरीके से करंट का वैल्यू 10 एम्पीयर दे रहा हूँ, फिर कहिए 5 एम्पीयर में दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप 5 एम्पीयर दे रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, समझ में। और ये स्केल रीडिंग मान लेते हैं एकदम ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में। तो ओवरऑल आपको पता है 5 एम्पीयर दे रहा है, तो 5 एम्पीयर देने के चलते ये पॉइंटर जो जहाँ पे रुक जाएगा, मान लेते इस डायरेक्शन में रुक गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, 5 लिख देना है, ठीक है। अब मान लेते सेकंड केस में आपने 6 एम्पीयर दिया, तो 6 एम्पीयर पे जहाँ पे भी रुक जाएगा वहाँ पे आपको फिर से ये 6 एम्पीयर लिख देना। तो इस तरीके से हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं स्केल का, क्लियर हो गया। और वही अगर आप करंट का डायरेक्शन का चेंज कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो तो आप टॉर्क ऐसा ना मिलके इस साइड में मिलेगा, तो इस साइड में आप फिर पॉइंटर की तरह लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। तो वही है कि डायरेक्शन भी बताता है, अगर इस साइड में दिखा रहे हम तो क्या पहले वाले के मुकाबले करंट आपका यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, तो टॉर्क भी आपका रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, जिसके चलते पॉइंटर भी आपका उल्टा डायरेक्शन में घूमता है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बताया था भाई कि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपका कब रुकेगा, जब आपका TD बराबर TC हो जाए। TC के लिए भी जस्ट प्रूफ किया, कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के ऊपर होता है, जितना ज़्यादा वो एक तरीके से घूमेगा कॉइल, यानी पॉइंटर भी एक तरीके से घूम रहा है, उतना ज़्यादा आपको कंट्रोलिंग टॉर्क देखने को मिलेगा, K into थीटा हो जाएगा, है ना, ये हम लोग को पता है। तो जब ये TD बराबर TC हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंटर आपका रुक जाएगा, है ना, स्टेबल हो जाएगा। तो अभी देखिए, हम लोग को यहाँ पे TC के जगह वैल्यू पता है K थीटा, K लिख देंगे, थीटा लिख दें भाई, TC का वैल्यू पता है ना हम लोग को, तो लिख दिया हम लोगों ने। और TD का वैल्यू भी हम लोग को पता है ऑलरेडी, TD का वैल्यू कितना है, N है, I है, A है, B है और साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, ये रिलेशन आपको याद रखना, ठीक है, इसको आप याद करके रखिए, अभी हम लोग आगे इसको यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग भाई इसमें बात करते हैं सेंसिटिविटी को लेकर के, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है, उसका फिर हम लोग देखेंगे। गैल्वेनोमीटर को कैसे हम लोग एमीटर की तरह यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग वोल्टमीटर की तरह यूज़ करते हैं, ओके। समझिए पहले करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों मेजर करके देता है आपका, वोल्टेज भी और करंट भी। तो करंट सेंसिटिविटी
क्या होता है, इसके लिए पहले थ्योरी लिखता हूँ। देखिए ये है भाई डिफ्लेक्शन, ठीक है, इसका डेफिनेशन है आपका डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं इसको अगर मैथमेटिकली लिखूं तो करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है आपका डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मींस थीटा, क्योंकि थीटा ही क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन बता रहा है कितना डिग्री घूमा है ना, थीटा डिवाइडेड बाय आई, इसका मीनिंग समझना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट मतलब एक एम्पियर करंट के चलते जो भी आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब समझिए हम लोग को यहाँ पे ये समझना भाई सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है भाई, जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास कोई वेट मेजर करने वाला मशीन है, तो अगर आप भाई मान लेते हैं पैकेट में आपने 10 रुपये वाला कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा कॉइन है लेकिन उसका भी तो वेट होगा, समझ रहे बात को। तो जब आप इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो रहे हैं अपना वेट मेजर करने के लिए, तो इसका सेंसिटिविटी अगर आपको देखना है, तो मान लेते हैं अभी आप पहले खड़े हो रहे हैं और इसने आपका बताया 60 kg वेट, ठीक है। अब मान लेते हैं मैंने चुपके से आपके पैकेट में एक कॉइन डाल दिया 10 रुपये वाला, ठीक है, तो अगर ये सेंसिटिव होगा तो क्योंकि कॉइन डालने से आपके बॉडी का कुछ ना कुछ तो वेट बढ़ा होगा ना, समझ रहे बात को। तो अगर ये उस छोटे से वेट को इंक्रीज करने को भी ये सेंस कर लेता है, यानी छोटा सा जो वेट बढ़ा ना कॉइन आपके पैकेट में डालने के चलते, वो उस वेट को भी अगर सेंस कर ले रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वेइंग मशीन है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे इसी तरीके से कोरिलेट कीजिए, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि अगर हल्का सा भी आपका करंट एक तरीके से चेंज हो रहा है, तो उसके चलते आपका जो थीटा है यानी जो मूवमेंट है कॉइल का, यानी जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है, उसमें भी चेंजिंग देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि TD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के ऊपर, उसके बाद N के ऊपर, उसके बाद B के ऊपर, A के ऊपर, साइन थीटा के ऊपर, है ना, समझ में आया। तो अगर आपका करंट में एक तरीके से चेंजिंग हो रहा है, तो सीधी सी बात है इसका मतलब है डिफ्लेक्शन टॉर्क में एक तरीके से चेंजिंग हो रहा है ना, समझ रहे बात को। तो उसके चलते आपको डिफ्लेक्शन है थीटा में भी चेंजिंग देखने को मिलना चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, और जितना ज़्यादा आपका ये सेंसिटिव होगा उतना ज़्यादा ये एक्यूरेट एक तरीके से मेजर करके आपको देगा। क्लियर हो गया। तो करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या है आपका, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब देखिए सबसे पहले समझिए ये जो थीटा है, ठीक है, ये थीटा किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। देखिए ये जो अभी मैंने आपको रिलेशन लिखवाया है यहाँ पे, TD बराबर TC, TC के जगह हम लोग K इंटू थीटा लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं NIAB, और साइन थीटा को अभी मैं 90 मान के चल रहा हूँ तो 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि ज़्यादातर केस में सर्कुलर मैग्नेट यूज़ करने के चक्कर में वो आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए भाई आपका जो थीटा है यानी जो डिफ्लेक्शन है ये क्या हो जाएगा, NIAB डिवाइडेड बाय K। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल समझिए K का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, ये होता है स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट, यानी अगर आप हार्ड स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क इस डायरेक्शन में आ रहा है और स्प्रिंग काफी हार्ड है तो ऐठाएगा नहीं एक तरीके से, समझ में आ रहा बात को। अगर K का वैल्यू ज़्यादा है तो थीटा आपको कम देखने को मिलेगा, वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भले ही आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क देखने को मिल रहा है लेकिन स्प्रिंग काफ़ी हार्ड है, हार्ड मतलब K का वैल्यू ज़्यादा है भाई, K का वैल्यू लार्ज है यहाँ पे, क्लियर हुआ। तो ये हार्ड स्प्रिंग है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क भले ही आपको मिले लेकिन ये ज़्यादा ऐठाएगा नहीं एक तरीके से, डिफ्लेक्शन टॉर्क आपको यहाँ पे भले ही ज़्यादा हो लेकिन ये थीटा मतलब इसको कॉइल को घूमने नहीं देगा ये स्प्रिंग एक तरीके से, समझ गए, क्यों, क्योंकि K का वैल्यू यहाँ पे लार्ज है जिसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर K का वैल्यू लार्ज होगा तो थीटा आपका कम होगा, और वही अगर आप यहाँ पे स्प्रिंग सॉफ्ट यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो K का वैल्यू काफी स्मॉल है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे थोड़ा सा भी टॉर्क मिलेगा तो क्या करेगा, स्प्रिंग को पकड़ के घुमा देगा, है ना, यानी डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को, मतलब पॉइंटर ज्यादा दूर घूमेगा भाई, कॉइल ज्यादा दूर घूमेगा मतलब थीटा आपका ज्यादा घूमेगा, समझ में आया। तो वही है K का वैल्यू कम होगा तो आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, और बाकी जो है इसमें तो आपको समझ ही में आ रहा होगा, है ना, थीटा जो होगा क्योंकि सीधी सी बात है भाई N क्या कर रहा है, टॉर्क को इनहेंस कर रहा है, करंट भी टॉर्क को इनहेंस कर रहा है, A भी टॉर्क को इनहेंस कर रहा है, ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क एक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं ओवरऑल क्या है, डिफ्लेक्शन टॉर्क यानी थीटा इक्वल टू आप कह सकते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क डिवाइडेड बाई K, जितना ज़्यादा आपको ये होगा उतना ज़्यादा थीटा मिलेगा, और ये अगर ज़्यादा है तो ये कम है, समझ रहे बात को, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी के ऊपर। देखिए करंट सेंसिटिविटी आपको समझाया कि अगर करंट में एक तरीके से हल्का सा भी चेंजिंग हो रहा है भाई, उसके चलते
उसके चलते थीटा में कितना चेंज हो रहा है, या फिर कहिए थीटा में चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ओवरऑल समझिए यहाँ पे ये जो मेरा थीटा है, थीटा का वैल्यू अभी जस्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, थीटा इक्वल टू क्या है आपका, ये वाला वैल्यू डिफ्लेक्शन टॉर्क डिवाइडेड बाई के है ना, जिसका यहाँ पे ओवरऑल ओपन करके लिखा हुआ है, क्लियर हो रहा है। इसको हम लोग डालते हैं यहाँ पे वैल्यू एन आई ए बी डिवाइडेड बाई के, तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा के जगह एन आई ए बी डिवाइडेड बाई के, और नीचे में आइए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई से आई कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन ए बी डिवाइडेड बाई के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है, तो सेंसिटिव बनाने के लिए आपको किस किस पैरामीटर के ऊपर काम करना पड़ेगा, एन के ऊपर। जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क मिलेगा भाई, और जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन टॉर्क मिलेगा इसका मतलब क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हल्के से भी करंट के चलते क्या होगा, सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। एरिया बढ़ाना पड़ेगा कॉइल का, बी बढ़ाना पड़ेगा, और ओवरऑल जो स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट इसको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा हार्ड रख दीजिएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा के का वैल्यू, क्या होगा करंट थोड़ा सा भी चेंज होगा, उसके चलते थोड़ा सा भी टॉर्क में चेंजिंग होगा, तो वो आपको स्प्रिंग एक तरीके से घूमने नहीं देगा, समझ रहे बात को। तो आप उसको इस चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, अब हम लोग आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि इसको हम लोग वोल्टेज वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ करेंगे, है ना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसका भी वही डेफिनेशन है भाई, वोल्ट यानी डिफ्लेक्शन यानी थीटा पर यूनिट वोल्ट, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, मतलब वोल्टेज के अंदर अगर हल्का सा भी आगे पीछे हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो उसके चलते आपको थीटा में चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है इसका मतलब क्या है, ये काफ़ी सेंसिटिव वोल्ट मीटर, अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो सेंसिटिविटी काफ़ी पुअर है। ओके, अब देखिए हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे थीटा का वैल्यू पता है, क्या था आपका एन आई ए बी, भाई ये है ना एन आई ए बी डिवाइडेड बाई के होता है इसका, ठीक है, डिवाइडेड बाई के इंटू वी। अब देखिए ये जो वोल्टेज है मेरा, वोल्टेज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी सर्किट के लिए वोल्टेज क्या आप लिख सकते हैं एन आई ए बी डिवाइडेड बाई के, और ये वोल्टेज जो है वी इक्वल टू हम लोग आई आर लिख सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ पे वी की जगह मैं आई आर लिख दूँ तो आई से आई मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन ए बी डिवाइडेड बाय आर इंटू के, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के लिए अगर आपको यहाँ पे सेंसिटिविटी एक तरीके से अगर आपको मेंटेन करके रखना है, सेंसिटिविटी को एक तरीके से इंप्रूव करना है, तो आपको किस किस पैरामीटर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, फ्लक्स डेंसिटी, और ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा सेंसिटिविटी उतना ही घटिया होगा। और ये स्प्रिंग वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हार्ड स्प्रिंग यानी हार्ड मटेरियल स्प्रिंग लगा दिए तो घूमने ही नहीं देगा, ठीक है। तो वोल्टेज चेंज होने के चलते आपका थीटा भी एक तरीके से चेंज होने नहीं देगा, ठीक है। तो आपको करंट सेंसिटिविटी क्लियर हो गया होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी समझ में आ गया होगा, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग वापस से आते हैं गैल्वेनोमीटर के ऊपर, क्योंकि अभी तक आपको समझ में आया भाई कि गैल्वेनोमीटर जो है हम लोग इसको दोनों के लिए यूज़ करते हैं, करंट के लिए भी यानी एमीटर की तरह भी यूज़ करते हैं और वोल्ट मीटर की तरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन 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 इसका एक्यूरेसी बहुत पुअर होता है, बहुत घटिया होता है भाई। क्यों घटिया होता है इसको पहले समझता है, और क्योंकि गैल्वेनोमीटर का एक्यूरेसी घटिया है तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे इससे ओवरकम करने के लिए, यानी इसको एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर ही यूज़ करके एमीटर बनाएंगे और वोल्ट मीटर बनाएंगे। और जो आपने गैल्वेनोमीटर को ही यूज़ करके एमीटर और वोल्ट मीटर बनाया ना, इसका जो एक्यूरेसी होगा वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए गैल्वेनोमीटर एक तरीके से दोनों काम कर रहा है, करंट भी नाप सकता है, वोल्टेज भी नाप सकता है, तो भाई इसका एक्यूरेसी इतना घटिया क्यों होता है, इसके ऊपर बात करते हैं पहले, ठीक है। इसका डीमेरिट क्या है, तो सबसे पहले आपने देखा कंस्ट्रक्शन आपने ऑलरेडी देख रखा है ना, तो जो कॉइल है, जो आपने कॉइल दिखाया है ना, इधर मैग्नेट था, इधर आपका बीच में कॉइल था रखा हुआ, तो कॉइल के चलते आप वाइंडिंग लपेट रहे हैं ना, तो ओवरऑल एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आरजी, आरजी मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक तरीके से इस तरीके से आपका दिखाया जाता है, ओके समझ में आया, ये गैल्वेनोमीटर का एक तरीके सिंबल है भाई, इसका दो टर्मिनल होगा,
ये इधर मान लेते हैं T1, इधर मान लेते हैं T2, ओके। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों दिखाया, सोचे समझिए भाई, ये एक तरीके से वाइंडिंग के चलते आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, और ये समझिए आपका वो शीशा का बॉक्स है, इसके अंदर आपका पॉइंटर ये सब रखा होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल आप समझिए, स्टेप वन लिखता हूँ मैं, अब फटाफट कंप्लीट करेंगे। स्टेप वन में मान लेते हैं मेरे पास एक नॉर्मल सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यानी एक लोड लगा हुआ है, और इसके अंदर मान लेते भाई इस तरीके से प्लस हो गया माइनस हो गया, वी वोल्ट का बैटरी लगा, यहाँ पे मान लेते आईएम पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। यानी फर्स्ट केस में अब ये आईएम पेयर लोड के पास जा रहा है। अब मान लेते हैं मुझे जो है इस आईएम पेयर को मेजर करना है, ठीक है, तो सीधी सी बात है हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो ओवरऑल देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा सर्किट है ये वैसे का वैसे रहने दे रहा हूँ, और क्योंकि करंट की तरह मेजर करना है इसका मतलब क्या, इस इंस्ट्रूमेंट को मेरे को सीरीज में लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा भाई सीरीज में क्यों लगाते हैं मीटर को, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सब बच्चा वाला बेसिक क्वेश्चन अभी मत पूछिए, ठीक है, अभी बस आप समझिए इसको मैंने सीरीज में लगा दिया। अब मेरे को एक चीज बताइए, जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर को इस पर्टिकुलर सर्किट में एक तरीके से सीरीज में जोड़ दिया है, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट केस में ये करंट कितना ले रहा था लोड के पास, कितना करंट आ रहा एम्पीयर, लेकिन इस केस में देखिए जो यहाँ से करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं यहाँ से जो करंट फ्लो रहा है आई डैश है, ये क्या हो जाएगा बताइए, वोल्टेज, वोल्टेज मेरा अभी भी वी है, प्लस माइनस जो वहाँ पे लगा था यहाँ पे भी है, तो वी डिवाइडेड बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस एक तरीके से बढ़ जाएगा, आर प्लस आर जी हो जाएगा, समझ में, यानी ओवरऑल क्या हो गया, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, किसके चलते बढ़ गया, गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे लगाने के चलते, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये दोनों बढ़ रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो ओवरऑल क्या होगा, करंट आपका घट जाएगा। यानी पहले वाले केस में अगर आपका आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, यानी आई इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, तो सीधी सी बात है गैल्वेनोमीटर को आप जैसे ही कनेक्ट कीजिएगा सीरीज में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया सिस्टम का, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है करंट एक तरीके डिक्रीज हो गया। यानी इस केस में आपका अब आई एम्पियर ना फ्लो होकर, यानी 5 एम्पियर ना फ्लो होकर 5 एम्पियर से कम ही करंट फ्लो होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप देखिए यहाँ पे इसके एक्यूरेसी को एक तरीके से इसने डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं कर दिया। पहले ये 5 एम्पियर का ले रहा था लोड, अब इसको लगाने के चक्कर में अब ये 5 एम्पियर से भी कम ले रहा है ना, यानी ये पूरे पूरे सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दिया भाई। और ये जो आपको रीड करके देगा, क्या ये आई एम्पियर यानी 5 एम्पियर रीड करके दे रहा है? नहीं, है ना। तो अगर नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या दे रहा है, ये क्या रीड करके देगा, 5 एम्पियर से कम वाला करंट, है ना, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो एक्यूरेसी होता है काफी घटिया होता है, ठीक है। जो सिस्टम के अंदर करंट जा रहा है उसको तो पहले मेजर नहीं कर पाएगा, और जो जा रहा था उसको भी एक तरीके से डिस्टर्ब कर दे रहा है यहाँ पे, है ना, 5 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर से कम करंट एक तरीके से जा रहा है। उसी तरीके से अगर इसको हम लोग वोल्ट मीटर की तरह यूज करें, तो वोल्ट मीटर के लिए अगेन मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास स्टेप वन है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम है, है ना, प्लस माइनस वी वोल्ट, ये मान लेते हैं आर, लोड लगा हुआ यहाँ पे, और मेरे को यहाँ का वोल्टेज नापना है, यहाँ से मान लेते हैं करंट आई एम्पियर फ्लो है, यहाँ का मेरे को वोल्टेज देखना है लोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो अगेन हम लोग अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करें, तो ओवरऑल देखिए स्टेप टू, यानी यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर को एक तरीके से लेकर के आ रहे हैं, और लोड को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई, ठीक है, ओके, सेम सर्किट है, प्लस माइनस वी। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को क्योंकि हम लोग को वोल्टेज की तरह नापना है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शंट में लगाएंगे, तो शंट में अगर हम लोग इस तरीके से लगा देंगे गैल्वेनोमीटर को, तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो करंट जा रहा था आई एम्पियर, फर्स्ट केस में देखिए इस लोड के पास करंट कितना जा रहा होगा आई एम्पियर, आई इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे 5 एम्पियर था, ठीक है, समझ में आया बात को। सेकेंड केस में देखिए जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर को शंट में लगाया, यानी पैरेलल लगाया लोड के क्रॉस, तो ओवरऑल यहाँ से जो आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, ये ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे आते ही दो पार्ट में टूटेगा, है ना, एक हो जाएगा इधर जो जाएगा, इसको हम लोग आई एल बोलेंगे लोड करंट, और इधर मान लेते हैं आपका ये आई एम यानी गैल्वेनोमीटर के, फिर इसको आई जी बोलते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है वो। अब क्योंकि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा था उसके चलते रेजिस्टेंस आपका काफी स्मॉल देखने को मिलता है, यानी जो आर जी है आपका जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं काफी स्मॉल होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है इधर आपका क्या है, लो रेजिस्टेंस पाथ है ना, समझ में आया, ये गैल्वेनोमीटर आपको लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है, तो ओवरऑल यहाँ से जो आपका आई एम पे करंट फ्लो होगा, ये ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा करंट कहाँ चला जाएगा, यहीं से एक तरीके से गैल्वेनोमीटर से होकर के यहाँ से बाईपास हो जाएगा, यानी लोड के पास जो करंट आएगा इस केस में काफी स्मॉल आएगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, इस लोड के पास करंट ही काफी कम आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे क्या होगा, जो पावर देखने को मिलेगा, मान लेते बल्ब लगा हुआ एक, है ना, तो बल्ब क्या होता है भाई, बल्ब जो होता है
कितना ज्यादा ब्राइट करेगा, कितना ज्यादा कम ब्राइट नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करता है, पावर के ऊपर, कितना ज्यादा इसके पास पावर आ रहा है ना। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, या फिर कहिए वी स्क्वायर बाय आर, है ना। कोई भी फॉर्म, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला अगर लगाए तो फर्स्ट केस में ये 5 एम्पीयर पूरा पूरा ले रहा था। अब सेकंड केस में देखिए, ज्यादा से ज्यादा करंट आपका यहीं से बाईपास हो गया, तो लोड के पास करंट ही नहीं पहुंच रहा, करंट ही नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब क्या है, इसके पास पहले जितना पावर ही नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे आपका बल्ब एक तरीके से डीम जलेगा। यानी गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोगों ने एज अ वोल्टेज की तरह यूज किया यहाँ पे, तो पूरे पूरे सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर दे रहा। देख रहा है लोड जो है ना आपका, ये लोड प्रॉपर वे में काम भी नहीं कर पा रहा एक तरीके से, रीडिंग तो ये एक तरीके से देगा भी नहीं, है ना, समझ में आया। तो रीडिंग दे या ना दे, लेकिन आपके लोड को एक तरीके से पूरा पूरा डिस्टर्ब कर दिया है, तो ओवरऑल हो गया ना इसका पुअर एक्यूरेसी, ठीक है, समझ में। और ये सिस्टम को भी एक तरीके से डिस्टर्ब कर देता है भाई। तो अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में इस तरीके का हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को ही यूज करके हम लोग यहाँ पे एमीटर बनाएंगे और वोल्टमीटर बनाएंगे। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। देखते हैं कुछ पॉइंट अगर मिस हो गया होगा तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके लिए सारा चीज़ लिखा हुआ है नोट्स में। ओके ताकि कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसको कैसे एमीटर की तरह यूज़ करते हैं और वोल्टमीटर की तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहला वाला केस समझिए, ठीक है, केस वन। फर्स्ट वाले केस में आप देख रहे थे भाई, जब हम इसको करंट मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे थे, है ना, करंट मेजरमेंट, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा था, ये मेरा सोर्स था प्लस माइनस वी वोल्ट, यहाँ पे मेरा लोड लगा हुआ था, है ना, आरएल। तो जैसे ही आपने इसको सीरीज में लगाया, मैं फिर नेक्स्ट फोटो ही बना देता हूँ, वी वोल्ट प्लस माइनस, जैसे ही आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, आर जी, और ये हो गया एक तरीके से आर एल, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, जो मेरा लोड के पास करंट जाएगा भाई, क्योंकि सीरीज सर्किट तो सेम जाएगा, है ना, तो जो करंट जाएगा लोड के पास, ये क्या आएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मेरा आर जी प्लस आर हो जा रहा था, फिर कहीं आर एल हो जा रहा था ना। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में इस तरीके से जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस एक तरीके से इंक्रीज हो जा रहा है, सिस्टम का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, उसके चलते हम लोग का करंट जो है पहले से डिक्रीज यानी कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को एक तरीके से कम करना भाई, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर फर्स्ट केस में जब ये हेल्दी था, यानी यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे आई एम्पीयर फ्लो हो रहा था, तो अभी भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अगर इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करें तो उस सिचुएशन में भी क्या हो, आई एम्पीयर एक तरीके से फ्लो हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ये जो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है ना, इस गैल्वेनोमीटर के शंट में एक लो रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा बात को, काफ़ी लो रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आर एस एच, मतलब शंट रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू काफ़ी लो है, मान लेते हैं 0.01 ओम है, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पे अब ये सर्किट कैसा बन गया, अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगर देखिए यहाँ पे अगर देखो भाई, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया, है ना। तो अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालें, R इक्विवेलेंट किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ यहां पे आप देखिए, फोकस कीजिए यहां पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/RSH प्लस 1/RG। तो ओवरऑल इसको आप करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, है ना, RSH इनटू RG डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, RSH प्लस RG। तो ओवरऑल शंट में क्या होता है भाई, पैरेलल में क्या होता है, जब अगर आप दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ रहे हैं ना, मान लेते हैं ये आपका 2 ओम का है, ठीक है, और ये मान लेते हैं आपका 0.01 ओम का है, तो इनका जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिएगा ना, जैसे मान लेते हैं 2 × 0.01 डिवाइडेड बाय 2 + 0.01, इसका वैल्यू देखते हैं कितना आता है कैल्सियम में डाल के, एक मिनट बस, देखिए 2 × 0.01 इंटू 2 + 0.01 ये आ रहा है भाई आपका, सोचिए कितना कम वैल्यू आ रहा है, 9.95 × 10⁻³ -3 मतलब समझ मिली में चला गया एक तरीके से, यानी शंट में अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो जो इसका सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस है ना, उससे भी इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, ये सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी एक तरीके से कम वैल्यू आता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है भाई,
इसके लिए जब आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिएगा यानी आर इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, ये इस 0.01 ओम से भी कम वैल्यू का आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि इस ब्रांच के चलते, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लगाने के चलते, इनका जो रिजल्टेंट यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा काफी स्मॉल देखने को मिलेगा, नेग्लिजिबल एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो इसके जगह अगर मैं एक ओवरऑल एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होगा लेकिन नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसके सीरीज में आपका ये आर एल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल अब जो यहाँ से करंट आएगा, I इक्वल टू यहाँ पे वोल्टेज था मेरा V डिवाइडेड बाय नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, सीधे सीधे ये RL ही लिख देते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा इंस्ट्रूमेंट भी एक तरीके से सिस्टम में कनेक्ट हो गया, और इस इंस्ट्रूमेंट के चलते मेरा कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, फिर जो रेजिस्टेंस आ भी रहा है एक तरीके से नेग्लिजिबल आ रहा है, तो ओवरऑल मेरे करंट को एक तरीके से क्या करेगा, अफेक्ट नहीं कर पाते, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक्यूरेसी मेरा एक तरीके से इम्प्रूव हो गया। तो सबसे पहला आपको लाइन यहाँ पे दिमाग में रखना भाई, कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को एक तरीके से यूज करके एमीटर बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शंट में एक तरीके से लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे ये जो आपने शंट रेजिस्टेंस लगाया है, इसका वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, कितने ओम का वहां पे लगाएंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप समझिए आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं यहां पे गैल्वेनोमीटर को लिया आपने, है ना, तो ये जो गैल्वेनोमीटर लेकर के आएंगे भाई, तो इसका जो मैन्युफैक्चर यानी जिसने भी बनाया होगा, ये आपको बताएगा दो चीज, कि इसके अंदर का जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये आपको दिया हुआ रहेगा। उसके बाद इसका फुल स्केल रीडिंग भी दिया रहेगा, यानी हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिट होता है ना भाई, जैसे कोई भी आप बाजार से एमीटर खरीद के ला रहे हैं, फिर वोल्टमीटर खरीद के ला रहे हैं, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है ना कि इससे आप मैक्सिमम 5 एम्पीयर ही करंट मेजर कर पाइएगा, या फिर कहिए 5 एम्पीयर जब रीड करेगा तो इसका जो पॉइंटर होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? सो इस चीज को समझिए। और वही अगर आप वोल्ट मीटर लेके आएंगे तो उसका भी आपका दिया रहेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना वो दिया हुआ रहता है, ठीक है, कि इससे आप जो है इतना ही एक तरीके से मेजर कर सकते हैं, यानी इस गैल्वेनोमीटर का आपका IGI मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर करंट, यानी इसके अपने अंदर से कितना ये मैक्सिमम करंट एक तरीके से लेके चल सकता है। और इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखा रहेगा, गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो एक तरीके से 5 एम्पीयर, यानी 5 एम्पीयर का क्या हो गया, एक तरीके से मैक्सिमम रीडिंग हो गया। तो गैल्वेनोमीटर कहीं से भी खरीद के लाइएगा तो इसका दो वैल्यू दिया रहेगा, RG आपको पता रहेगा और IG आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दो चीज आपको पता है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, इस तरीके का बनेगा कि आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज करके एक एमीटर बनाना है, और एमीटर जो बनाएंगे ये भी दिया रहेगा कितने एम्पियर, तो मान लेते 0 से लेकर 5 एम्पियर के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये भी वैल्यू दिया रहेगा, गैल्वेनोमीटर यूज करके आप एक एमीटर बनाइए और ये एमीटर कितना रीड देगा, 0 से लेकर 5 एम्पियर तक का रीडिंग देना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये दिया रहेगा, ठीक है भाई, तो RG दिया हुआ है, IG दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, वापस से आते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरीके का सर्किट बन रहा था, है ना, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया RG, यहाँ पे मेरा लोड लगा हुआ है RL, और इसके शंट में आपने यहाँ पे RSH लगाया हुआ है, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस, तो मेरे को इसका वैल्यू चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहां से लेके यहां तक मेरा एक तरीके से भाई V कांस्टेंट होगा ना, समझ में आ रहा बात को, ये वाला जो वोल्टेज होगा V वोल्टेज यहां पे भी होगा क्योंकि दोनों शंट में लगा हुआ है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे V बराबर V कर दे, ओके, इस चीज को समझिए। और यहाँ पे इक्वेशन देखिए भाई, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसके क्रॉस का तो वोल्टेज सेम है ना,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसके क्रॉस का वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस का वोल्टेज V2 है, ठीक है। तो V1 बराबर V2 कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है, मान लेते हैं I एम्पीयर निकला, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आते ही इधर जो करंट आएगा, इधर जो करंट आएगा भाई, इधर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई जी, है ना। और इधर जो करंट आएगा ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई माइनस आई जी, समझ में आया। तो ओवरऑल अगर हम लोग V बराबर V करें तो यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज क्या होगा बताइए, इधर वाले को मान लो V1 है, तो करंट पता चल गया I माइनस आई जी, है ना। तो I माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा, RSH मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, इधर इधर जो करंट आ रहा है आपका, ये करंट आ रहा है आपका क्या, आई जी भाई, इधर जो करंट मैंने बोला ना, ये आई जी करंट आ रहा है, ठीक है। इधर से मेरा टोटल करंट था आई, तो आई में से इधर आ गया आई जी, है ना। तो ओवरऑल ऊपर कितना जाएगा, आई में से आई जी घटा देंगे वही करंट में जाएगा ऊपर में, है ना। तो इधर करंट आ रहा है आई जी, और इसका जो रेजिस्टेंस है कितना है, आर जी, ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें मेरे को क्या चाहिए, इस RSH का वैल्यू चाहिए, है ना। तो RSH इक्वल टू क्या हो जाएगा, RSH इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, क्लियर हुआ। तो अब देखिए ये मेरा एक तरीके से फार्मूला यहाँ पे बन के आ रहा है। तो ओवरऑल जो आपने गैल्वेनोमीटर खरीद के लाया है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ रहेगा, यानी आई जी का वैल्यू दिया होगा, आर जी का भी वैल्यू दिया होगा, और ये आई जी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और जो अभी मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको बताया कि आप एमीटर बना रहे हैं गैल्वेनोमीटर यूज करके, तो एमीटर का रेंज आपका दिया हुआ रहेगा भाई, ठीक है, कि आपको गैल्वेनोमीटर यूज करके एक एमीटर बनाना है जो कि 0 से लेकर 5 एम्पीयर तक का करंट क्या हो, मेजर करे, ठीक है। तो ये वैल्यू दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो आपको आई लेना ना, ये जो आई है आपका, ये जो आई कंसिडर करना है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो होता है, जो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, यानी 5 एम्पीयर है, यानी 0 से लेकर 5 तक के बीच का आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपको आई की जगह 5 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो आपका आई जी दिया हुआ है, आर जी दिया हुआ है ना, I का वैल्यू दिया, तो ओवरऑल आप यहां से RSH का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर आप रेंज चेंज कर दीजिएगा, मान लेते आप 0 से लेकर आपको 10 एम्पीयर तक एक तरीके से बनाना है मीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को यूज करके, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, और छोटा सा एक तरीके से लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि देख रहे हैं यहां पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है, आई माइनस आई जी। तो ओवरऑल अगर ये आई बढ़ गया, देख रहे हैं यहाँ पे 10 एम्पीयर, तो ये बढ़ गया तो ओवरऑल क्या होगा, ये RSH और मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा करंट क्या करना है, यहीं से एक तरीके से बाईपास कर देना, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग RSH का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग आते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर, यानी अगर आप गैल्वेनोमीटर को यूज करके, गैल्वेनोमीटर को यूज करके आप क्या कर रहे हैं, एक वोल्ट मीटर बना रहे हैं, वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा था, आपका ये सर्किट था इस तरीके का, है ना, और वोल्ट मीटर के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्लस माइनस यहाँ पे आपने शंट में लगाया हुआ था। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे आपने शंट में लगाते हैं, जो मेन करंट आ रहा था आई एम्पेयर, ये क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बाईपास हो गया यहीं से, क्योंकि आर जी का वैल्यू काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहीं से बाईपास हो गया, है ना। तो इधर मान लेते इधर आई जी आ रहा था, तो इधर कितना करंट आएगा भाई, आई माइनस आई जी, समझ रहे बात को। ओहो मिस्टेक हो गया भाई, मिस्टेक हो गया सर्किट में, लोड के क्रॉस बनाना ना, यहाँ पे आपका लोड यहाँ पे दिखाते हैं, लोड के शंट में लगाया जाता है, समझ में आया, प्लस माइनस बी, इस लोड के शंट में आपको लगाना है यहाँ पे, तब ये वोल्ट मीटर तरह काम करेगा ना। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से जो मेन करंट आ रहा था आई, यहाँ पे आ गया, इधर आ गया आई जी, इधर ज़्यादा करंट चला जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इधर लो रेजिस्टेंस पाथ है, ओके। और इसके पास जो करंट आएगा आई माइनस आई जी, और ये काफ़ी स्मॉल होगा, यानी आप कह सकते हैं आई जी जो होगा मेरा मच ग्रेटर देन होगा किसके मुकाबले, आई माइनस आई जी के मुकाबले, यानी सारा का सारा करंट कर रहा है इसे बाईपास हो जा रहा है, तो आपका लोड जो है प्रॉपर वे में एक तरीके से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, फिर काम नहीं कर पा रहा है, ओके, सही बात है। अब देखिए अब हम लोग भाई एक लाइट बंद करता है, ठीक है, इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, अब देखते हैं सही आ रहा है नहीं, आई होप कि अब सही होगा। देखिए इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि इधर गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट बहुत ज़्यादा एक तरीके से आ जा रहा है, तो इस करंट को हम लोग को यहाँ पे रोकना भाई। तो करंट को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, करंट को मेरे को रोकना है, तो करंट कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकता है, है ना। तो सेकंड केस में देखिए ये मेरा एक तरीके से लोड है RL, ये मेरा सोर्स हो गया प्लस माइनस V वोल्ट का। तो यहाँ पे जो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया ना, इसके सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप, ठीक है, ये हो गया मेरा RG और ये हो गया मान लेते मेरा R, ठीक है।
सो मैं आर एस लगाता हूँ, मतलब सीरीज में आप लगा रहे हैं एक तरीके से, क्लियर हो गया। तो ओवरऑल ओवरऑल यहाँ से जो आप करंट जाएगा ये एक तरीके से भाई, क्योंकि इधर हाई रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको पास, तो पूरा का पूरा करंट क्या होगा इधर ही से आ जाएगा, ठीक है, सारा का सारा करंट मेरे लोड की तरफ ही चला जाएगा, ठीक है, इधर मेरा करंट एक तरीके से काफ़ी स्मॉल जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस सिचुएशन में आपका लोड भी एक तरीके से काम कर रहा है प्रॉपर वे में, कि इसको फुल एक तरीके से करंट मिल रहा है, इधर जो आपका वोल्टेज एक तरीके से मतलब रेजिस्टेंस हाई करने के चलते आपको करंट इधर कम देखने को मिलेगा। ओके, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आप गैल्वेनोमीटर यूज़ करके वोल्टमीटर बना रहे हैं तो आपको सीरीज में, यानी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में काफ़ी हाई रेजिस्टेंस एक तरीके से ऐड करना है, ठीक है। अब ये सीरीज रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा इसको अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपका क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अगेन V बराबर V करें, है ना, क्योंकि दोनों शंट लगा हुआ है, तो भाई सीधी सी बात है जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, है ना। तो V बराबर V करते हैं फिर से, V बराबर V, तो ऊपर में इधर कितना आएगा, इधर मेरा करंट आ रहा है IG, IG इंटू कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा RG प्लस RSH, और इधर मस्ट बी इक्वल क्या हो जाएगा V, है ना, सही है। और ये V क्या होगा, ये V क्या होगा, ये टोटल वोल्टेज होगा, क्योंकि पूरा पूरा वोल्टेज यहीं पे आ रहा होगा ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँ IG इंटू RG प्लस IG इंटू RSH मस्ट बी इक्वल टू V, तो ओवरऑल ये वाला टर्म उधर भेजेंगे, या फिर कहिए ना इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में आपका ओवरऑल इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा आर जी प्लस आर एस एच बराबर वी डिवाइडेड बाई आई जी, और मेरे को आर एस एच का वैल्यू चाहिए क्या हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई आई जी, और इधर आ जाएगा मेरा माइनस आर जी, ठीक है। अब देखिए जो आप गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं वोल्टमीटर को बनाने के लिए, उसमें आई जी का वैल्यू दिया होगा, आर जी का वैल्यू दिया होगा, और जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज कहना मतलब आपका इस तरीके से बोलेगा कि आप एक वोल्ट मीटर बनाइए गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके, जिसका रेंज कितना जीरो से लेके 250 वोल्ट तक का होना चाहिए। तो ये जो आपने V दिया है ना, V यहाँ पे आपको ये 250 वोल्ट एक तरीके से यूज़ करना है। तो इस तरीके से भाई आपका यहाँ से RSH निकल जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा, कैसे काम करता है, क्यों इसका एक्यूरेसी घटिया होता है गैल्वेनोमीटर का, और इसको हम लोग कैसे एक तरीके से एमीटर के लिए यूज़ करते हैं, फिर कहिए वोल्टमीटर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और सेंसिटिविटी सब क्या होता है ये सब सारा का सारा चीज़ बता दिया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रखना है कि अगर आप एमीटर बना रहे हैं तो आपको शंट में एक लो रेजिस्टेंस जोड़ना है, और अगर आप वही वोल्टमीटर बना रहे हैं तो आपको सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस एक तरीके से कनेक्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही भाई, सेशन ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको सही लगा होगा।